हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपकी है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए, इस जो टॉपिक है इससे रिलेटेड अपना एक प्रीवियस वीडियो आ चुका है और उसमें अपन ने इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें अपन ने बात कर चुके हैं, जिसमें अपन ने जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसकी अलग अलग जो कंपाउंड है अलग अलग यौगिकों के साथ अपने यहाँ पर उनकी रिएक्शन देखी थी और साथ में अपन ने बात की थी कि भाई ये रिएक्शन करके जो है अलग अलग प्रोडक्ट हैं उनकी फॉर्मेशन करता है, जिसमें अपन ने इसका एक मेन कैरेक्टर बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कि ये क्या होता है, आपके मोर रिएक्टिव होता है और किसी भी जो कंपाउंड कह दें उसके साथ क्या करता है, आसानी से जो प्रोडक्ट है वो फॉर्मेशन यहाँ पर कर लेता है। तो जो गिग्नार्ड रिएजेंट है ये एक अपने कहें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है जो ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री कह दें या ऑर्गेनिक जो रिएक्शंस जितनी भी हैं उनमें ये आसानी से क्या है कि जो अपनी रिएक्टिविटी है उनके साथ प्रदर्शित करता है, उनके साथ बहुत सारी रिएक्शन बनाता है। तो आज अपन इसकी जो नेक्स्ट जो अपने कहें कि जो रिएक्शंस हैं अपन उनसे रिलेटेड बात करने वाले हैं, जिसमें अपन आज जो बात करने वाले हैं सबसे पहले इसमें रिएक्शन होगी आपके जो आपके कार्बोनिल्स कंपाउंड है उनके साथ अभिक्रिया। आज अपन इनमें जो कार्बोनिल कंपाउंड हैं इनके साथ रिएक्शन फॉर्मेशन होगी उसके बारे में इसमें रिएक्शन के अंदर नेक्स्ट जो है वो पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं जनरली इसमें यह कहा जाता है कि इनमें जो कार्बन और ऑक्सीजन से रिलेटेड जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो इसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दो तरह के जो कंपाउंड हैं वो यहाँ पर हमारे काम आने वाले हैं, जिसमें अपन बात करेंगे एक रिएक्शन तो होगी आपके CHO यानी LDI और दूसरा आपने कहें कि आपका जो कीटोन है ये क्या करेगा, ये अलग अलग जो कंपाउंड है उनकी फॉर्मेशन करेगा, यानी किसी में LDI समूह अभिक्रिया करेगा और दूसरे के अंदर आपके क्या बताया है इसमें कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अपने देखते हैं कि आपका RMGX है वो क्या कर रहा है कि अभिक्रिया करेगा। अब यहाँ पर LDI ले रहे हैं तो जनरली अपन इसमें जो LDI के अलग अलग टाइप हैं या इसके व्युत्पन्न कहें या इसके डेरिवेटिव कहें वो कहाँ मिलेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहला है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्या करेगा, इस RMGX के साथ रिएक्शन करेगा और जैसे ही रिएक्शन होगी आपके RCH2OMG इसमें फॉर्म हो जाएगा। और फिर क्या बताया है कि जैसे इसमें फॉर्म होता है इसका क्या कराते हैं आपके जल अपघटन करवा देते हैं और जैसे ही जल अपघटन यहाँ पर संपन्न होता है क्या हमने इसका क्या करा दिया जल अपघटन, तो जैसे ही जल अपघटन होगा यहाँ पर क्या है कि एक तो आपका अल्कोहल फॉर्म होगा, साथ में अपन बात करें इसके साथ बाय प्रोडक्ट के रूप में जो मैग्नीशियम हैलाइड या जो भी बनता है अपने उसको अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर RCH2OH ये बन जाता है आपकी एक डिग्री अल्कोहल, साथ में आपके बन जाएगा MgX और OH। देखिए, जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसने RMGX के साथ रिएक्शन की, रिएक्शन के फलस्वरूप यहाँ पर आपका हाइड्रोनियम आयन द्वारा जल अपघटन कराया तो इसके द्वारा क्या बन गया आपके अल्कोहल बन गया। दूसरी बात करते हैं अपन यहाँ पे कि अपने जो RMGX है इसकी रिएक्शन अपने को किसके साथ करानी है, आपके R2CO या अपन यूँ कह सकते हैं किसके साथ कीटोनिक ग्रुप के साथ, तो इसको रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए, जैसे ही इसमें रिएक्शन होगी सब R3COH बनेगा, यानी अपन ये कह दें कि क्या बन जाता है आपके 3 डिग्री
एल्कोहल है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। एंड जो टर्शियरी एल्कोहल है वो इसमें क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। साथ में MgX और OH, तो ये क्या बताया कि इसमें फॉर्मेल्डिहाइड इसके साथ रिएक्शन करके 1 डिग्री बना रहा है, ये इसमें एल्कोहल 2 डिग्री या 3 डिग्री आपका एल्कोहल फॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पर देखें, ये अगर अपन यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड की जगह अगर RCHO काम में लेते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो R2CHOH हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जो 2 डिग्री एल्कोहल है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो अपने ये कह सकते हैं कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है ग्रिग्नार्ड अभिकर्म के साथ या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करके आपके अलग अलग तरह के अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, जिसमें अपन ने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया की तो उसके द्वारा 1 डिग्री अल्कोहल, आपके एल्किल एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया की 2 डिग्री अल्कोहल, और साथ में अपन ने बात की कि अपन ने कीटोन के साथ अभिक्रिया की तो यहाँ पर 3 डिग्री जो अल्कोहल है उसका फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो अपन नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो आपके है इसमें जो धातु हैलाइड्स हैं या मेटल हैलाइड की बात करें तो ये क्या करेंगे, RMgX मेटल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया करके अलग अलग तरह के जो हैलाइड्स हैं उनका भी फॉर्मेशन करेंगे, और साथ में इसमें जो मेन मैग्नीशियम का हैलाइड है उसके कंपोजिशन में चेंज आ जाता है, यानी जो इसमें आपके बढ़ाने के अंदर शामिल होगा वो अलग अलग तरीके से बन जाएगा। यानी अपने को मेन ये कहना है कि RMgX के साथ जो हैलाइड उपस्थित है उसकी अपोनेंट में कहें कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें आपके अलग तरह का हैलाइड है वो हमारे यहाँ पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले जो रिएक्शन करने वाले हैं वो आपके मेटल हैलाइड के साथ अपने रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपने हैलाइड के अंदर जनरली जो काम में लिया जा रहा है वो अपने क्या लेंगे, इसमें जो क्लोराइड है उसका अपन यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखें RMgX प्लस, अब यहाँ पर जो काम में लेने वाले हैं BeCl2, तो यहाँ पर अपने इसके दो अणु ले लेते हैं, दो मॉलिक्यूल लेकर अपन क्या करेंगे इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो एक तो बन जाएगा BeR2। साथ में बात करें यहाँ पर क्या और फॉर्म हो जाएगा, MgX2, और साथ में एक चीज़ और फॉर्म हो जाएगी आपके MgCl2। तो देखें अपने यहाँ पर बात की कि यहाँ पर अलग तरह के हैलाइड हैं वो बनेंगे, तो यहाँ पर RMgX ये था, इससे अलग तरह का हैलाइड क्या हो गया है इसी रिएक्शन के द्वारा यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। इसी तरह से अपने बात करें इसकी अभिक्रिया इसके साथ करवाई, तो यहाँ पर देखें इसके दोनों काम में लेते हैं अपन और फिर इनके साथ क्या करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं। तो जैसे ही अभिक्रिया होगी सबसे पहले तो आपका ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसमें अलग अलग तरह की अपन बात करें साथ में क्या बनेगा, एक बन जाएगा आपके क्या बन रहा है आपके MgX2, या X2 की जगह अपन क्या ले सकते हैं आपके Cl2 ले लें कि ये वाला फॉर्म हो रहा है, और इसके अपन ने क्या ले लिए 3 अणु प्लस यहाँ पर अपन बना देंगे Mg। अब यहाँ पर Mg के 3 अणु हैं तो यहाँ पर भी अपने 3 MgX इसमें काम में ले लेंगे।
तो क्या बताया गया है, इस तरह से आपके जो हैलाइड्स हैं वो अलग अलग तरीके के इसमें फॉर्म हो जाते हैं। तो क्या बताया गया है जनरली कि यहाँ पर अभिक्रिया के फलस्वरूप अलग अलग तरीके के जो हैलाइड्स हैं वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। नेक्स्ट अपने बात करें कि यहाँ पर अपने एथिल ब्रोमाइड है, इसके साथ क्या करेंगे अपने एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसकी क्या अभिक्रिया करवाएंगे अपने HgCl2 के साथ। तो यहाँ पर देखें, इसमें भी अपने इसके दो अणु ले लेते हैं। जनरल दो अणु किसके आधार पर लिया गया है, Hg की ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पे। तो यहाँ पर अपने C2H5 का होल ट्वाइस Hg, तो अलग तरह का हैलाइड बन गया। साथ में यहाँ पर बात करें 2Mg इधर X और इधर आपका आ जाएगा Br। तो आपने देखा कि किस तरह से इसमें जो अलग अलग तरीके के जो हैलाइड्स हैं वो इसमें फॉर्म हो रहे हैं। तो क्या बताएं, मेटल हैलाइड के साथ जब रिएक्शन कराई जाती हैं तो RMgX अलग अलग तरीके के जो हैलाइड्स हैं उनका क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है, जिसमें अलग अलग तरीके के अपने जो धातुएं हैं वो क्या करेंगी, जो हैलाइड हैं उनकी अभिक्रिया करेंगी। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि सामान्यतः जो धात्विक हैलाइड है वो क्या करेंगे, इनके साथ अभिक्रिया करके अलग तरीके के हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे। अब नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं वो आपके हैं आपके सिलिकॉन हैलाइड के साथ अभिक्रिया, कि यहाँ पर RMgX सिलिकॉन के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया के फलस्वरूप अलग अलग तरीके के कंपाउंड बनाएगा। और ये जो कंपाउंड बनते हैं इनको जो सामान्य नाम लिखा जाता है, तो इनके नामकरण में इनके साथ जो सिलेन शब्द है वो क्या किया जाता है, यहाँ पर यूज किया जाता है, क्योंकि सिलिका है उसमें मेन कंपोनेंट के अंदर भाग लेगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो अभिक्रिया है अपने बात करेंगे सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि यहाँ पर जितने भी यौगिक बनेंगे कैसे होंगे, सिलेन के रूप में व्यवस्थित होंगे। तो यहाँ पर RMgX क्या करेगा, SiCl4 के साथ अभिक्रिया करेगा। जैसे ही अभिक्रिया होगी आपके एल्किल हैलाइड तो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो अपन यूँ कह सकते हैं RSiCl3 इसका फॉर्मेशन हो जाता है। बाकी एक क्लोराइड और एक हैलाइड है वो आपके इस तरह से व्यवस्थित हो जाता है। तो ये आपका एल्किल क्लोराइड का जो सिलिकेन है वो यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। ये अपन ये कह सकते हैं एल्किल ट्राई सेलिन यौगिक हमारे प्राप्त हो गया। इसी तरह से बात करें यहाँ RMgX है उसकी अभिक्रिया। अब यहाँ पर अपन क्या करें कि यही प्रोडक्ट काम में ले लें SiCl3, तो इसके साथ अभिक्रिया होगी तो आपके R2SiCl2 फॉर्म हो जाएगा। साथ में Mg, तो इसके साथ देखिए आपके एक Cl यहाँ से कम हो और एक X ये, तो ये वाला आपको इस तरह से लिखना है। इसी तरह से अगले रिप्रेजेंटेशन में अपने RMgX की जो अभिक्रिया है वो अपने किसके साथ करानी है, जो ये प्रोडक्ट बना है R2SiCl2, इसके साथ अभिक्रिया होगी R2SiCl XCl, इसके साथ ये फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट अपने बात करें कि यहाँ पर अपने इसकी अभिक्रिया वापस करवा दी RMgX प्लस R3SiCl अभिक्रिया होगी, तो
आर थ्री एस आई प्लस एक्स सी एल, तो ये जो यौगिक है आपके पास प्राप्त हो जाता है, सॉरी आर फोर, इसको बोला जाता है टेट्रा एल्किल सिलेन। तो ये जो हमारे पास प्राप्त होगा इसका नाम है टेट्रा एल्किल सिलेन। तो इस तरह से क्या बताया गया है कि सिलिकॉन के जो टेट्रा हैलाइड्स हैं वो भी क्या करेंगे कि अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं उनका फॉर्मेशन करेंगे, जो क्या करेंगे अलग अलग तरीके के इनके सिलेन बना रहे हैं। तो यहाँ पर सिलिकॉन के साथ भी क्या करता है कि RMGX आसानी से रिएक्शन कर लेता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट अपनी अभिक्रिया है सल्फर के साथ, तो क्या बताया गया है यह भी सल्फर के साथ अभिक्रिया करके अलग अलग तरीके के जो थायोल ग्रुप वाले जो कंपाउंड्स हैं उनका क्या करेगा यहाँ पर निर्माण करेगा। किस तरह से करेगा वो अपने अपनी रिएक्शंस में देखेंगे कि यहाँ पर जो RMGX है वो आसानी के साथ यहाँ पर बाई प्रोडक्ट्स बना देता है। यहाँ पर ध्यान रखने की चीज़ यही है कि मेनली इसके साथ कौन सा जल अपघटन भी संभव होता है या नहीं होता उसको इसमें देखा जाता है। तो कई अभिक्रियाओं में तो जल अपघटन होता है, कईयों में संपन्न नहीं होता, क्योंकि मेन आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अपने फोर्थ रिएक्शन की बात करने वाले हैं आपके रिएक्शन विथ सल्फर। तो यहाँ पर देखिए RMGX है, ये क्या करेगा इसके साथ अभिक्रिया करेगा, तो अभिक्रिया करेगा तो आपके बन जाएगा RSMGX फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अपन ने इसका क्या करा दिया जल अपघटन करा दिया। तो जैसे ही यहाँ पर इसका जल अपघटन होगा तो यहाँ पर एक तो OH ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा, साथ में अपन बात करें एक हाइड्रोजन है वो इसके साथ व्यवस्थित हो जाएगा। तो यहाँ पर एक तो बन जाएगा RSH एल्किल थायोल प्लस MGX OH इसमें फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्या बताया गया आसानी से अलग अलग प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पर देखें एक रिएक्शन और दे रखी है आपके सल्फर के साथ, इसके साथ अभिक्रिया होगी तो इसके द्वारा ये फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करा दी तो यहाँ पर RI है वो अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर देखिए क्या बताएं, यहाँ पर जो ईथर होता है ये क्या करेगा उसकी तरह जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन कर देता है, और यहाँ पर आपका MGX और I। अब देखिए मैंने ईथर इसलिए बोला है क्योंकि ये उसके ही व्युत्पन्न है। किस तरह से, जैसे अपने ईथर लिखते हैं ROR, ठीक है, तो उसी के समान जो थायोल भी है वो क्या करता है इस तरह के ग्रुप का फॉर्मेशन कर देता है या कंपाउंड है उसको बना देता है। तो ये बन जाता है आपके एल्किल थायोल ईथर। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे अपने इसमें, तो आपके नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें जो आपके साइनोजन क्लोराइड है उसके साथ यहाँ पर अपने अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। तो साइनोजन के अंदर अपने को पता है कि सामान्यतः जो साइनाइड है उसके साथ क्या उपस्थित होगा आपके क्लोराइड यहाँ पर उपस्थित होगा और वो क्या करेगा इसके साथ अभिक्रिया करेगा। इस अभिक्रिया के अंदर देखो मेनली क्या होता है कि ये अभिक्रिया आपके नियंत्रण कंडीशन में होती है, मतलब क्या बताया कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा प्रोडक्ट बनाते ही क्या है उस रिएक्शन को वहीं समाप्त करना होता है, नहीं तो क्या बताया गया है कि जो साइनाइड है उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और अपने को पता है कि RMGX की भी ज़्यादा है रिएक्शन, तो वो क्या करेगा आसानी से एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके बाई प्रोडक्ट और बना देगा, मतलब साइनाइड आगे भी टूटता चला जाता है और अभिक्रिया दिखाता है। नेक्स्ट अपने बात करने वाले हैं फिफ्थ रिएक्शन में रिएक्शन विथ साइनोजन क्लोराइड। तो यहां पर देखिए जो अभिक्रिया होगी वो आपके
यहाँ पर मैंने इससे ही रिलेटेड क्या ले लिया, आपके कंपाउंड ले लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, जो साइनोजन क्लोराइड है वो क्या करेगा, इसके साथ अभिक्रिया करेगा। जैसे ही अभिक्रिया करेगा, इसके द्वारा मेथिल साइनाइड फॉर्म हो जाता है। जैसे ये फॉर्म होता है, रिएक्शन को यहीं पर नियंत्रण कंडीशन में रोक दिया जाता है और आपका मेथिल साइनाइड है यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। सॉरी, ये फॉर्म हो जाता है। यहाँ पर ये वाला कंपाउंड है वो क्या करता है, वापस इसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, इसमें वापस चेंज होने की भी कंडीशन रहती है। तो क्या बताया गया है कि इसको नियंत्रण कंडीशन में भी क्या किया जाता है, ये अभिक्रिया संपन्न की जाती है। नेक्स्ट जो अभिक्रिया अपन बात करने वाले हैं वो आपके हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स, या अपन कह दें एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया होगी, तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर सेम कंडीशन वही है जो यहाँ पर अपने को देखने को मिली थी, कि यह भी रिएक्टिविटी ज़्यादा दिखाता है। इसके लिए क्या बताया गया है कि इस अभिक्रिया को भी संपन्न करने के लिए क्या किया जाता है, नियंत्रण कंडीशन में ही अभिक्रिया करवाई जाती है, जिसके फलस्वरूप अलग अलग प्रोडक्ट हैं वो नहीं बने। तो यहाँ पर अपन बात करें C2H5 MgBr ले लिया, फिर इसके साथ एसिटिल क्लोराइड CH3 COCl अभिक्रिया हुई, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर C2H5CO CH3 बन जाता है। यानी क्या बने गए आपके प्रोडक्ट, एथिल मैथिल कीटोन। प्रोडक्ट क्या बना, एथिल मैथिल कीटोन, साथ में बाय प्रोडक्ट्स के रूप में वही है MgBr और Cl आपका फॉर्म हो जाता है। तो दो ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो सामान्यतः नियंत्रण कंडीशन में होती हैं। इनके लिए जैसे ही प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट को अलग कर लिया जाता है। साथ में क्या बताया गया है, अगर ये अपन प्रोडक्ट हैं इसको नियंत्रण कंडीशन में नहीं रखते तो ये वापस इसके साथ अभिक्रिया प्रदर्शित कर देता है और कोई ना कोई बाई प्रोडक्ट इसमें बना देता है। नेक्स्ट अपने इसमें बात करने वाले हैं, तो इसके साथ जो अभिक्रिया देख रहे हैं अपन, ये आपके जो अभिक्रिया होगी होगी डाइथायोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट जो अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं वो है जो थायोनिल ग्रुप है उसके साथ अभिक्रिया, यानी उसके जो अम्लीय ग्रुप है उसके व्युत्पन्नों के साथ अपन यहाँ पर अभिक्रिया देखने वाले हैं। तो अभिक्रिया किस तरह से होगी, उसके लिए क्या बताया गया है कि थायोल के साथ क्या है आपके रिएक्शन। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि आपका जो RMGX है सबसे पहले क्या करेगा, आपके जो थायोल ग्रुप है उसमें जो डाइथायोल है ये क्या करेगा, इसके साथ अभिक्रिया करेगा। जैसे ही अभिक्रिया होगी सबसे पहले यहाँ के बॉन्ड टूटेंगे और बॉन्ड टूटने के फलस्वरूप एक ग्रुप तो इसके साथ जुड़ेगा और दूसरा इसमें, अब यहाँ पर देखो अपन R की जगह CH3 ले लेते, तो यहाँ पर देखिए CH3 फिर आपका कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, इसके साथ कार्बन वाला ग्रुप, और मतलब बॉन्ड यहाँ का टूटेगा, एक बॉन्ड ये टूट कर ये तो इसके साथ OMG आ जाएगा और साथ में जो MgX वाला है वो इसके साथ और अलग प्रोडक्ट इसमें
जुड़ जाएगा। किस तरह से? ये कार्बन है, ये सल्फर, इसके साथ MgX, फिर यहाँ पर जो सल्फर है डबल बॉन्ड में, इसको इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये वापस क्या करेगा, जल अपघटन से इसके साथ अभिक्रिया होगी। आपने क्या करा दिया, इसका जल अपघटन। तो जैसे ही जल अपघटन होगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3C। अब देखिए वहाँ पर जो जल अपघटन हो रहा है, उसकी वजह से जो सल्फर ग्रुप है उसके साथ तो हाइड्रोजन आ जाएगा और Mg वाला OH उसके साथ चला जाता है। किस तरह से? इसके साथ क्या आ गया, हाइड्रोजन, और ये आपका डबल, मतलब इसका थायोल ग्रुप है वो बन जाता है, प्लस ये आपका X, ये OH बन जाता है। तो क्या बताया गया है, थायोनिल क्लोराइड जो डाइक्लोराइड थायोल है उसके साथ क्या कर देगा है, ये अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो थायो अम्ल है इसके साथ क्या कर देता है, अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। सॉरी, यहाँ पर जो डाई थायोनिक अम्ल है उसका यहाँ पर क्या हो रहा है, निर्माण। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर डाई थायोल है ये उसके साथ अभिक्रिया है, तो यहाँ पर ये अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। इस तरह से बात करें, सामान्यतः जो कार्बोनिल ग्रुप है उनके साथ अपन ने थोड़ी देर पहले अभिक्रिया देखी थी कि एल्डिहाइड कीटोन है उसके साथ अभिक्रिया थी। अब देखिए यहाँ पर जो अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं उसमें अपन जो आपके एल्डिहाइड और कीटोन है उसका फॉर्मेशन RMGX से किस तरह से होता है अपने इसमें देखेंगे। जनरली यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं वो प्रेजेंट होकर क्या करेंगे, इसमें अभिक्रिया दिखाएंगे और अभिक्रिया के फलस्वरूप आपके अलग अलग कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो देखिए अपने RMGX के द्वारा किस तरह से इसमें फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो काम में लिया जाता है सामान्यतः जो फॉर्मिक एस्टर है, या तो उसकी अभिक्रिया कराएं या उसी से रिलेटेड कोई व्युत्पन्न हो तो उसकी अभिक्रिया क्या कराते हैं, RMGX के साथ कराते हैं। और जैसे यहाँ RMGX के साथ अभिक्रिया होगी, इनमें एल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों में से किसी एक का फॉर्मेशन यहाँ पर आसानी से हो जाता है। तो किस तरह से होता है, ये अपना हो गया एल्किल हैलाइड। दूसरा अपने को यहाँ पर काम में लेना है अपना कोई एस्टर ग्रुप या फॉर्मिक एस्टर जो भी अपने काम में लेते हैं। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, एक बार OC2H5, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन इस तरह से। अब देखिए ये अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया के फलस्वरूप इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड टूटकर ये वाला ग्रुप क्या करेगा, सीधा का सीधा वहाँ पर उपस्थित हो जाएगी। फिर यहाँ पर एक वैलेंस इसकी खाली हुई थी, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा आपके CH3। तो अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका CH3 आ गया, यहाँ पर OMGX, फिर OC2H5, फिर क्या करा दिया, जल अपघटन। तो जल अपघटन हुआ तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर जल अपघटन संपन्न होता है तो यहाँ पर आपके जो सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है अपन इस तरह से लिख सकते हैं, एक तो ये बन जाए सॉरी आपका ये वाला, इसको ऐड करते हैं, या फिर अपने इसको ले लें, मतलब एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ती बनेगी। तो प्रोडक्ट बनाते हैं CH3CHO, ये बन गया।
साथ में देखें इसका हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाए आपके C2H5OH। अब यहाँ पर अपने पास क्या बच गया OH वाला, तो अपने कह देंगे MgX और यहाँ पर OH फॉर्म होता है। तो क्या बताया गया है कि RMgX के द्वारा या एल्किल हैलाइड के द्वारा या अपन यहाँ पे जो काम लिए कि मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड है उसकी अभिक्रिया अपन ने फॉर्मिक एस्टर के साथ करवाई तो उसमें एथिल एल्डिहाइड का इसमें क्या हो जाता है निर्माण हो जाता है। ये तो अपन ने अभिक्रिया देखी आपके एल्डिहाइड के साथ। अब यहाँ पर अपने इसमें एक कीटोन का भी फॉर्मेशन देख लेते हैं। जनरली जो रिएक्शन है उसमें तो सेम वैसी की वैसी रहेगी जो अपने यहाँ पर पहले पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है आपके यहाँ पर जो प्रोडक्ट काम में लेने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपने हाइड्रोजन लिया था उसकी जगह अपने को क्या काम में लेना है यहाँ पर CH3। तो CH3 लेंगे तो आसानी से क्या है आपका कीटोनिक ग्रुप है इसमें बन जाता है। तो आपका ये हो गया फॉर्मिक एस्टर बन गया इसका। अब इसके साथ अपन ने क्या करवा दी अभिक्रिया करवा दी। तो यहां पर ये जो प्रोडक्ट है ये तो वैसा का वैसा पड़े रहेगा C2H5। अब यहां पर या तो अपने इसको ऊपर लिख दें या फिर इसके जस्ट बाहर लिख दें, तो यहाँ पर OMgX और साथ में यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा आपके CH3। तो यहाँ पर देखें जो यहाँ का ऑक्सीजन है वो क्या करेगा फॉर्मेशन करेगा अपने इसका क्या करा दिया जल अपघटन। तो जैसे ही इसमें जल अपघटन होता है आपके CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एक तो ये बन जाता है आपके। दूसरी बात करें C2H5OH प्लस MgX OH। तो इस तरह से क्या बताया गया है कि जो आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैं वो क्या करता है आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उनको क्या करता है आसानी से सिंथेसिस कर देता है, उनका संश्लेषण करता है। होप यू आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस वीडियो से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो भी बनाएं। और साथ में आप इसमें देखें कि जो अलग अलग रिएक्शन है उनमें कहाँ पर जल अपघटन हो रहा है, कहाँ पर डायरेक्ट प्रोडक्ट बन रहा है, किस तरह की जो अभिक्रियाएं हैं वो विशेष कंडीशन में संपन्न होती है, तो उनके बारे में आपको खास कर ध्यान रखना है। और जो